हिमांशु कुमार मलहोसी बरथना इटावा का रहने वाला है। उसके ही गांव के राधे श्याम और उसकी पत्नी व पुत्र पुत्री अपने घर में शराब बनाकर बेचते हैं। उसके द्वारा उनके घर में कई बार शराब पकड़ाई जा चुकी है, कई मुकदमे पंजीकृत हैं, तो कई बार राधे श्याम जेल भी जा चुका है। कई बार प्रशासन ने रुपए लेकर छोड़ दिया, ये विकलांग नहीं है फिर भी फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं। ये ग्राम विकास की खाद के गड्ढों की जगह भी घेरे हैं। इन्होंने लाल कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवाया है। ये बिजली बिल में भी लफड़ा किए हुए हैं। जब इनकी बड़ी बेटी संजना की शादी नहीं हुई थी तब इन्होंने अनुदान लेना चाहा। सामाजिक संगठनों से जुड़े होने के कारण जो भी गलती होता है वो समाज और विभाग के सामने लाता हूँ। जांच बैठलवाई गई है और जिस पर जांच चल रही है। इनकी बड़ी पुत्री संजना की जब शादी नहीं हुई थी तभी इन्होंने अनुदान लेना चाहा, जो कि मैंने समाज कल्याण विभाग को सूचित करके उनकी फाइल को कैंसिल करवाया। ये ग्राम मलहोसी में खाद की गड्ढों की और चारेगाह की जगह को घिरे हुए हैं, जिसकी पैमाइश करवा चुका हूँ। इन्होंने मेयर टूर दी, फिर उसकी शिकायत मैंने विभाग को पूर्व में करवा दी है, फिर करवा रहा हूँ। और ये इनकी ये फर्जी रूप से अपना लाल कार्ड बनवाए हुए हैं। इन सब चीज़ों की शिकायत जो भी ये गलत कर रही हैं वो मैं विभागों को बता रहा हूँ। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे रही हैं, कहीं चौकी में, कहीं थाने में, कहीं SSP महोदय को। और पहले तो ये लिखते थे कि वो मेरी लड़की को परेशान करता, अब वो लिखने लगे हैं कि अप्रैल माह में मेरे साथ चार बार बलात्कार किया। लड़की का दावा है कि अप्रैल माह में मेरे साथ चार बार बलात्कार किया। मेरे माता पिता गरीब होने के कारण वो कुछ नहीं कह पाते हैं और ये तमंचा लेकर डराता धमकाता रहता है। श्रीमान जी, इनके द्वारा लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से गलत हैं। इसकी श्रीमान जी जांच कर ली जाए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए मेरे ऊपर मुकदमा ना लिखा जाए, मेरे यहाँ पुलिस ना भेजी जाए, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, यही मैं अपील करता हूँ। श्रीमान जी, रंजिश के चलते सब कुछ ऐसा कर, वजह से ये रंजिश भी मान रही है। ये काफ़ी बड़े गुंडे टाइप के हैं, बाहर से मेरे लिए मुझे मारने के लिए गुंडे बुलवाते हैं, जो मेरे घर पर कई बार हमला भी कर चुके हैं ये। और श्रीमान जी आगे भी कर सकते हैं, मेरी जान माल को भी खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। और श्रीमान जी, ये चरित्र के पूर्व से ही गंदे हैं। इनका मैं ज़्यादा इनकी और इनके परिवार वालों के बारे में चरित्र के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये प्रशासन ग्रामीण प्रशासन विभागों के सामने लाता रहूँगा। श्रीमान जी मेरी मदद करें, मेरे साथ न्याय करें और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। श्रीमान जी मेरे साथ न्याय करें, श्रीमान जी मेरे साथ न्याय करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।